सो ये गाइस यार, इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं मिनी मिलिशिया का कुछ ऑसम ग्लिच जो कि हमारा शील्ड से रिलेटेड है। और इससे पहले आपको इस ग्लिच के बारे में पता भी नहीं था, और अगर वीडियो को स्किप कर दोगे तो भाई पता भी नहीं चलेगा। तो भाई यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको एक एक ग्लिच बताऊंगा और कैसे विदाउट गन अपने को शील्ड को टेक करते हैं। तो भाई यार अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब मार लेना और घंटे को दबा देना ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें जो मिनी मिलिशिया से रिलेटेड है। तो भाई यार मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे ग्लिचेज मिनी मिलिशिया के अंदर देख रखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम ऐसे करके भी यार बहुत सारी गन को इधर से उधर ले जाते हैं। लेकिन यार गाइस किसी ने ये सोचा है कि हम बिना गन के भी शील्ड उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते? ऑफकोर्स मेरे ख्याल से बहुत सारे बंदों ने ट्राई भी कर लिया होगा कि यार बिना गन के हम शील्ड उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। भाई यार ये पॉसिबल है बट एक ग्लिच के थ्रू। अब वो ग्लिच क्या है वो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो भाई यार वीडियो को लाइक मार देना। तो चलो उस ग्लिच की तरफ डायरेक्ट हम ग्लिच पे मिलते हैं कि भाई और कैसे और क्या करना है। हाँ तो गाइस यार सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक 9 ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को शील्ड दिख रहा है, तो भाई शील्ड को इसके साथ टेक करते हैं और ऊपर जाके गन को ड्रॉप करते हैं। और गन ड्रॉप होने के बाद अपने हाथ में शील्ड बचता है या नहीं बचता? तो भाई यार यहाँ पे गन ड्रॉप करा बट ये शील्ड ही ड्रॉप हो गया और उसके बाद जाके गन ड्रॉप हो रही है। एक बार और सेम चीज करते हैं, क्या ये ग्लिच पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता। फिर से जा रहा हूँ, वहाँ पे गन ड्रॉप करूंगा और यहाँ पे भाई साहब ये अपना कवच ही नीचे गिर गया है, यानी कि अपना शील्ड। तो भाई यार ये सेम चीज मैं करने वाला हूँ अब चाकू के साथ, क्या इसमें पॉसिबल हो पाता है या नहीं। तो भाई यार यहाँ पे मैंने चाकू उठा लिया है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे अपना शील्ड उठाऊंगा और ऊपर जाके वापस से गन इसको ड्रॉप करेंगे अपने चाकू को। तो भाई यार चाकू को ड्रॉप करा तो भाई साहब ये लो अपना ग्लिच काम कर गया है। भाई साहब अपने हाथ में आ चुका है पूरा शील्ड और विदाउट चाकू और गन। तो भाई यार कितना ऑसम लग रहा है बंदा और काफ़ी मस्त भी है। तो गाइज यार यही ग्लिच था जो मैं आपको बताने वाला था और इसकी में मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑसमनेस लग रही है और काफ़ी ऑसम लग रहा है, यानी कि इस बंदे ने काफ़ी अच्छा रखा है यानी बचने के लिए। तो भाई यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना। ये चाकू मेरे भाई